नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। और बाजार इस समय दबाव में 8559 पर, यानी 15 अंक नीचे निफ्टी इस समय। लेकिन सेंटीमेंट जो है स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो काफ़ी ख़राब है, ऑब्वियसली लेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पर आज हमने सबसे ज़्यादा नुकसान देखा है। ऑलमोस्ट 9% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। सुबह से आशंका थी ही कि बाजार थोड़ा दबाव में रहेगा और जो 8600 है वह बहुत बड़े बैरियर के तौर पे उभरेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। क्या हुआ है अब तक ट्रेड में, ये देखते हैं वीरेंद्र। बिल्कुल मेरे, आप देखें कल के जो स्टैटिस्टिक्स थे, कल की जो FIs की पोजीशंस थी, DIIs की पोजीशंस थी, और एग्जैक्टली आप देखें जो मार्केट्स का बिहेवियर था, अब तक बाजार की चाल वैसी ही रही है। हालांकि ये कमजोरी और बढ़ेगी या नहीं, और आई थिंक इसका जो अब तक निफ्टी ने होल्ड किया, इसका टेस्ट ऑफ पेशेंस है ना मिहिर, वो जानते हैं कहाँ होगा। बस यहाँ से बहुत दूर नहीं, सिर्फ 8540, 8600 के नीचे पूरा दिन हम रहे, लेकिन याद रखिएगा ये 8540 जिसका टेस्ट करेगा निफ्टी एग्जैक्टली, अगर उसको वॉलेट करेगा तो मार्केट में आखिरी के एक घंटे में वाकई पेन बढ़ सकता है। आगे अगर आप देखें दूसरे पायदान पर, अगर आप देखें यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने, अगर आप देखें जो एग्जैक्टली नंबर्स दिए उसके बाद स्ट्रॉन्ग सर, चाहे वो आप कैश में देखिए, डेरिवेटिव्स में देखिए, एक्सट्रीमली वीक, और आई थिंक इसका एक कंप्लीट इंपैक्ट आप निफ्टी बैंक पे देख सकते हैं। निफ्टी बैंक एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, और याद रखिए निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा आज आप 18420 के स्तर पर, वो याद रखिए वो अगस्त की सीरीज का लो भी है। बाकी FMCG और टाटा ग्रुप के अगर आप शेयरों में देखें और कंस्ट्रक्शन स्पेस में आप देखें, काफ़ी अच्छा खासा मूव है। एंड स्पेशली FMCG याद रखिए, ये इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डेरिवेटिव्स में भी है, और ये वायदा कारोबार में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग जुड़ा है। बाकी अगर आप देखें चौथे पायदान पर, जिस चीज़ को लूँगा मैं, वो है एग्जैक्टली ब्रोकिंग हाउसेस और मेटल रियल्टी और कैपिटल गुड्स शुरू में आज जोरदार गिरावट है। सुबह आप देखिए नेगेटिव एक्शन में आई थिंक ऐसा इंप्रेशन नहीं था ब्रोकिंग हाउसेस स्टॉक्स में, लेकिन पोस्ट ओपनिंग और आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ इन सभी काउंटर्स में देखने मिला। और आखिरी जिस चीज़ पर फोकस करूंगा मैं, दिल्ली बिल्कुल की अच्छी लिस्टिंग और 10% प्रीमियम के साथ लिस्ट, और IPO मार्केट में जो CY16 वाइब्रेंसी बनी रही है, उसका जो दस्तूर था, उसका जो ट्रेंड था, आखिरकार इस IPO ने भी, आज की लिस्टिंग ने भी कायम रखा मिहिर। बिल्कुल, चलिए अब उन स्टॉक्स पर एक बार बात कर लेते हैं जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि करीब 9% नीचे है, SBI, दिल्ली बिल्डकॉन, आइडिया सेलुलर और इप्का लैब्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर बातचीत करेंगे। साथ ही ग्रासिम, M&M, गीतांजलि जेम्स, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सोना कोयो, ये कुछ नए काउंटर्स हैं जिस पर आज काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिली और बात हो जी हाँ। साथ ही अंतिम बाजी में जिन स्टॉक्स से मैं बात करूंगा जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और इनफैक्ट जो बैकफुट पे है सन फार्मा, अगर आप देखें सुबह हालांकि बाद जिसने इंपेडेंस लगाया 791 का, वहां से थोड़ा सा पुल बैक है करीब 17-18 रुपये का, लेकिन अभी भी बड़ा क्रिटिकल, बड़ा कमज़ोर येस बैंक। और उसके बाद अगर आप देखें तो लिंकन फार्मा, मैक्सवेल इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। येस बैंक आज अच्छी खबरों के बीच में बैकफुट पे, बाकी AI इंजीनियरिंग, ब्रिटानिया। उसके बाद अगर आप मार्केट को देखें आज एक पुल बैक पोस्ट नंबर्स, इस काउंटर में अगर आप देखें इस काउंटर में बड़ा एक पेन था, 48 की ट्रेजेक्ट्री से ऑलमोस्ट 40 ट्रेजेक्ट्री में आया, फिर वहाँ से पुल बैक IGL और स्ट्राइड साक्षण, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल रहा है। लेकिन देखिए अप्रोच क्या रखे, चले एक एग्जैक्टली एक गाइड को पकड़ लेते हैं कि होना क्या चाहिए। देखिए 85-35 मैंने 5 पॉइंट का फिल्टर और दिया है, 8535 पर के नीचे अपनी पोर्शन को हल्का करिएगा, फिर सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब हुआ और आखिरी का एक घंटा बड़ा क्रिटिकल याद रखिए। और निफ्टी बैंक के लिए 18420, मैं अभी कुछ देर में आपको निफ्टी बैंक की स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, भी थोड़ा सा नेगेटिवली पॉइज हो रहा है निफ्टी बैंक। IT याद रखिए, IT और फार्मा इस वक्त सबसे क्रिटिकल और नेगेटिव फेस में खड़े हुए हैं। आइडिया अजंता फार्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और एक वॉकहार और IB Real इसमें और गिरावट संभव। बिल्कुल, चलिए इस बीच राजेश सतपुते हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही नताशा शंकर हमारे साथ जुड़ी हैं यस सिक्योरिटीज से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नताशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्केट एक्सेलेंस अवार्ड्स में आपको भी एक अवार्ड मिला है, सो सबसे पहले तो इसके लिए बधाई हो आपको, एंड आई होप अगले साल आपको और अवार्ड्स मिले, और वो अवार्ड्स पाने के लिए आप कुछ और अच्छी टिप्स दें, कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस दें, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड कॉल्स इन दिस मार्केट, सो वी होप यू डू दैट। बिल्कुल नताशा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये कि यहाँ तक का सफ़र, आपका खुद का सफ़र, आप लोगों की रिसर्च टीम का सफ़र कैसा रहा एग्जैक्टली, और सबसे CY16 को आप उसमें कहाँ रखेंगे एग्जैक्टली? Yeah, definitely. First and foremost, thank you so much for the award. It feels nice to be appreciated. जहाँ तक येस सिक्योरिटीज़ का सवाल है, तो द रिसर्च टीम का यही एक कमिटमेंट रहा है कि उन एरियाज़ में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, उन एरियाज़ में स्टॉक सेलेक्ट करें जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को।
उसके अलावा हम लोग वैल्यूएशंस पे काफ़ी फोकस करते हैं, वो स्टॉक्स जहाँ पे कि एक अच्छा वैल्यूएशन प्ले है, जैसे कि जो बहुत चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं और जिसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उस तरह के स्टॉक्स हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से सेक्टर में आए। यही हम लोग का अभी तक का फोकस रहा है और आगे जाके भी यही फोकस रहेगा। CY 16 डेफिनेटली वाज अ गुड ईयर फॉर अस एंड वी जस्ट होपिंग फॉर बेटर ईयर्स कमिंग अहेड। CY 16 का अगर आप देखें जो सेकंड हाफ है वो कैसा रहेगा, सबसे बड़ी बात यही है। राजेश, आपकी राय क्या है? ये दो दिन से जो टर्बुलेंस थे, दो चीज़ हुई यहाँ पर। एक तो ये कि जो 8800 की पॉसिबिलिटी बन रही थी, फ्रैंकली स्पीकिंग स्टैटिस्टिक्स को देख के बात लगती नहीं है, क्योंकि मैं जब बारीकी से आंकड़े देख रहा था निफ्टी के, FIs के, DIs के, क्लाइंट्स के, प्रोप्राइटरी, अब एक कमिटेड अगर आप देखें एफर्ट्स थे कि 8800 की कॉल बेचो, 8600 की कॉल बेचो, 8700 की कॉल बेचो, 83 और 84 की पुट ओपन इंटरेस्ट खींच रही है अपनी तरफ विद प्राइस एप्रिसिएशन। आप भी नेगेटिव हुए हैं कि राजेश, और क्या शॉर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं आप? नहीं वीरन, मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट का फिलहाल तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन, एक प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं कि पोस्ट RBI मॉनेटरी पॉलिसी, कि सब लोग सोच रहे थे कि चलो RBI का इवेंट ओवर होने के बाद कुछ ना नया कुछ मिलेगा नहीं तो लेट्स बुक सम प्रॉफिट, एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। देखिए, एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, जैसे वॉट यू आर सेइंग इज 8540, मुझे लगता है कि दैट इज़ द राइट लेवल एज फार एज द टेक्निकल्स आर कंसर्न। लेकिन मुझे लगता है एज फार एज द ऑप्शंस डेटा इज कंसर्न, जो निफ्टी का रेंज दिखता है वो है 8500 ऑन द लोअर साइड एंड 9000 ऑन द हायर साइड, दैट इज वेयर द शॉर्ट्स स्ट्रैंगल इज राइट नाउ द ऑप्शन राइटर्स आर प्लेइंग। सो यू कैन से 8500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, हालांकि हम लोग कुछ खास उसे दूर नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। कल सुबह भी, आज सुबह भी उसने लो किया तो जस्ट इज कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बनाना तो डिफिकल्टी एक डिफिकल्टी होगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू ले रहा हूँ, इनफैक्ट मैं स्टॉक स्पेसिफिक जो अच्छे अच्छे काउंटर्स है उसमें लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम होगा, जो आपके चैनल पे भी मैं शेयर करूँगा। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में कॉन्ट्रा व्यू लेके काम करें, जब तक निफ्टी 8500 का लेवल तोड़ता नहीं तब तक निफ्टी में शॉर्ट बिल्कुल ना करें। इनफैक्ट अगर ऑन बेसिस ऑफ अगर कॉल पे बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी शुड बी लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8500। मुझे लगता है टेक्निकल पुल बैक डेफिनेटली आएगा 8670। मुझे लगता है 8500 और 8700 का दायरा रहेगा जी। अब देखिए, एक तो ऑलरेडी मार्केट में नर्वसनेस काफ़ी है, ऊपर से कल SBI के नंबर्स और उससे पहले आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोन जिस तरह से सेट किया है नंबर्स को लेकर, एवरीबडी स्कैर्ड। अब अंचल हमारे साथ हैं। अंचल, पहले तो ये बताइए कि SBI से एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि अब तक जो बैंक्स के नंबर्स आए हैं स्पेशली PSUs के, उससे कम से कम ये तो नहीं लगता दैट वी आर पासिंग थ्रू द वर्स्ट क्वार्टर। बिल्कुल मीर, आपने देखिए सही कहा, इस बार ही डेफिनेटली जो बैंक्स नंबर्स पोस्ट किए, ग्रॉस NPA सबके एस्केलेट हुए हैं, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग के साथ हुआ है ये, इस बार ही जो प्रोविजनिंग के आंकड़े हैं अक्रॉस द बोर्ड, आप सरकारी बैंक उठा के देखिए, सब ने अपनी प्रोविजनिंग को कर्टेल किया है और कहीं ना कहीं सिमिलर ट्रेंड की भी उम्मीद अब SBI से की जा रही है। सबसे पहले आप बात करें प्रोविजनिंग की, देखिए PNB ने, अगर PNB की प्रोविजनिंग देखेंगे तो एक क्वांटम से 10,000 करोड़ से घटा के 2,000 कर दी, तो वही उम्मीद है कि SBI भी अपनी प्रोविजनिंग को एक क्वांटम से घटाता हुआ दिखेगा। BOB के साथ भी यही हुआ, करीब 7,000 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, लेकिन आप इस बारी इस क्वार्टर में 2,000 करोड़ की प्रोविजनिंग पोस्ट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं कैनरा बैंक ने आप महज 1500 करोड़ की प्रोविजनिंग पोस्ट की है। यूनियन बैंक बहुत हैवी प्रोविजनिंग कर रहा था, पिछले क्वार्टर में भी करीब करीब 1600 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, इस बारी कम करके उन्होंने भी उसे करीब 1300 करोड़ की किया है। तो ओवरऑल प्रोविजनिंग के साइड पे जो मैं सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहा था वो यही है कि शायद SBI भी यही ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखेगा। प्रोविजनिंग का जो आंकड़ा है करीब करीब 7,300 करोड़ के आसपास आ सकता है, ऑलमोस्ट आधा हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन चिंता भी है मीर, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, चिंता है एसेट क्वालिटी पे अक्रॉस द बोर्ड। इन्हीं बैंकों ने जिन्होंने अपनी प्रोविजनिंग को कटेल किया उनके ग्रॉस NPAs बढ़ते जा रहे हैं। SBI केस में भी कोई ट्रेंड ब्रेक नहीं होता हुआ दिखेगा, सिमिलर ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। 6.5% के मुकाबले इस बार 7% के ग्रॉस NPAs की उम्मीद की जा रही है। BOB 13.75 हैवी NPAs कैरी कर रहा है BOB लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इस बार 10% का मार्क तोड़ दिया, 9.99 से बढ़ के 11.15% के ग्रॉस NPAs पोस्ट किए। कैनरा बैंक बेहद करीब है अब 10% के मार्क पे, 9.71% के ग्रॉस NPAs पोस्ट किए इस बारी। यूनियन बैंक ऑलरेडी 10% का मार्क इस बारी क्रॉस कर दिया उन्होंने, 10.16
ग्रॉस एनपीएस पोस्ट किए, तो ट्रेंड दो तरफा निकल रहे हैं। प्रोविजनिंग एसबीआई इस बारी अपनी कम कर सकता है और एक क्वांटम से कम कर सकता है, जो आगे के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन हाँ इस क्वार्टर के ग्रॉस एनपीएस डेफिनेटली एस्केलेट हो सकता है। एसबीआई आज की तारीख में अगर आप देखें सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट 226 के स्तर पर, हालांकि फिर भी अगर आप देखें दिक्कत यह है कि एसबीआई इतना प्रॉफिट लेके बैठा है अपने साथ में ही 145 इन Q3 के नंबर्स के वक्त, आज आप 225 पे खड़े हैं इन Q1, बट स्टिल यू आर नॉट वेरी श्योर कि अबाउट एसेट क्वालिटी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। बट इफ यू टॉक अबाउट एसबीआई इन आइसोलेशन, यहाँ पर नताशा आपकी राय क्या रहेगी, 223 पर 225 पर यू आर बायर इन एनी सर्कमस्टेंसेज वॉट एवर इज द एसेट क्वालिटी, या फिर आप इस प्राइस पर कंफर्टेबल नहीं है एसबीआई के लिए? देखिए एसबीआई डेफिनेटली पूरे पीएसयू बैंकिंग पैक में बेटर है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इट्स पीयर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल रिजॉल्व हो चुकी हैं। एसेट क्वालिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न एंड एसबीआई इवन फॉर एसबीआई एट द सेम टाइम कैपिटलाइजेशन नीड्स इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न। ऑल्दो एसबीआई को एक प्रेफरेंस मिलता है एज फार एज कैपिटलाइजेशन फुलफिलिंग द कैपिटलाइजेशन नीड्स इज कंसर्न, लेकिन तब भी एक कैपिटलाइजेशन एज वेल एज एसेट क्वालिटी दो कंसर्न्स हैं जो कि बहुत बड़े रिस्क हैं फॉर द एंटायर पीएसयू बैंकिंग पैक एंड एसबीआई इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। तो एज विजिबली द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स वी आर स्टिल क्वाइट न्यूट्रल ऑन द पीएसयू बैंक्स, वी वुड प्रेफर टू अवॉइड देम इवन नाउ। आई थिंक अभी भी ना देखिए जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है ना उस पर अभी दलजी जुड़ेंगे कुछ देर में उनसे बात करेंगे, बट द ज्यूरी इज स्टिल आउट, क्योंकि पिछले क्वार्टर में मुझे अच्छे से याद है कि पिछले क्वार्टर के बाद कई जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं उन सब ने कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय हमारी टॉपिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी पर काफ़ी लोग बुलिश थे पिछले बार भी नतीजों के बाद, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा पे। हाँ, और अब आज अगर आप उनसे बात करेंगे तो पता नहीं वो कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो आई थिंक थोड़ा इसे देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक Q3 से Q4 तक आते आते यही दिलासा थी कि शायद Q3 में वर्स्ट हो गया है। आपको याद है हमने तभी भी बात की थी और इनफैक्ट हमारी बात भी हुई थी कि जो मिस्टर राजन ने इंडिकेशन दिया था वो तो इनफैक्ट ये दिया था कि ये अभी और 2-3 क्वार्टर जाएंगे। माइट बी Q3 Q4 ऑफ FY17। खैर अब थोड़ा सा बैंकों से बाहर निकलते हैं, लेकिन आई थिंक अगर मैं एक स्ट्रेटजी वर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ट केस सिनेरियो आपके स्क्रीन पर आप देखें SBI क्या खड़ा आपने देख लिया, आपके पास एक्टिव कॉल्स हैं, आपके पास एक्टिव पुट्स हैं, आपके पास फ्यूचर्स भी हैं। राजेश वर्स्ट भी हो सकता है बेस्ट भी हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपका क्लाइंट हूँ मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें मेरे ख्याल से अगर मैं इसकी एट द मनी कॉल पुट दोनों खरीदूँ तो 14 रुपये का कॉस्ट है, आप क्या करेंगे इस पे SBI पे? देखिए एट द मनी अगर कॉस्ट अपन हम अगर यहाँ पे देख रहे तो मुझे लगता है 14 रुपीज़ का जो स्विंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी 14 रुपीज़ प्लस एंड 14 रुपीज़ माइनस, मुझे लगता है इतना वोलेटिलिटी SBI देगा क्या, तो थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। मुझे लगता है कि 215 का जो स्टॉप लॉस रहेगा 215 के ऊपर 215-217 जहाँ पे ये अटकता था वहाँ से लेके हमने SBI में एक सबड्यूड सेशन देखा है, रफली ऊपर में 230-235 के ऊपर जाता नहीं है, एट द सेम टाइम 225 के नीचे आता नहीं, तो ये पकड़ के चलिए कि इज इट रेडी फॉर ए वन मोर अपटिक मे बी पोस्ट रिजल्ट, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपटिक के बाद यहाँ से और जाएगा, लेकिन मुझे पर्टिकुलर मेरा जो टारगेट दिखता है वो SBI पे वो रफली है 248-250 जहाँ पे बहुत एक्यूमुलेशन हुआ था अगर आपको याद है जहाँ से SBI गिरा था, सो दैट इज़ द लेवल कि जहाँ पे एक बार के लिए SBI हिट करेगा 245 से 250 पकड़ के चलिए और फिर SBI गिर सकता है, तो मेरे लिए जो दायरा रहेगा SBI का वो रहेगा ऑन द लोअर साइड 220 ऑन अ हायर साइड 250। अगर 215-217 टू बी वेरी प्रिसाइज 215 लेवल तोड़ेगा तो SBI में बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा और उसके साथ शॉर्ट भी जुड़ेगा, वो सीन फिलहाल के लिए नहीं दिखता। तो स्ट्रैटेजी अगर रखना है तो मुझे लगता है आप पुट हेज कर सकते हो, एक सिंपल स्ट्रैटेजी जहां पर आपको SBI को लॉन्ग करना है और 220 का पुट बाय करके उसको प्रोटेक्ट करना है, या सिंपल अगर आप यहां पे शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है तो आप हमें ये पता है कि 215 का सपोर्ट है तो चलो 210 का आप पुट भेज दो, सामने 240-250 के आसपास का कॉल भेज दो जो भी मिले 4-5 रुपए, सो दैट इज वॉट एक्चुअली पीपल आर प्लेइंग, वो 4-5 रुपए करके बहुत पैसा मिल रहे हैं, सो दैट इज द सिंपल स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मैं ये लूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी तो रहेगी डेफिनेटली लेकिन कितनी रहेगी वो थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है। चलिए अब ये तो इसमें ऐसा है कि कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी मजबूती है वो देख लेते हैं। आज एक देखिए सोना कोयो है, मतलब कुछ एक स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी में जिन पर बाइंग है, इसमें सोना कोयो,
ऑटो स्टैम्पिंग्स, एमटेक ऑटो, राणे होल्डिंग्स, ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूत देखने को मिल रही है। बट नताशा, इस समय आप वुड यू रेकमेंड अ बाय इनमें से किसी भी काउंटर पे? विद इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस अभी भी काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिनके पास में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स हैं। इनफैक्ट जितना टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है डोमेस्टिक ऑटोज़ में, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा उनके जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी बहुत अट्रैक्टिव चल रहा है। इस तरह की कंपनीज में जो टॉप नेम्स आते हैं वो डेफिनेटली मदरसन सुमी का आता है। कंपनी ने बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स दिया है, अपना जो इंटरनेशनल सब्सिडरीज है उसका बहुत अच्छा काम किया है उसको टर्न अराउंड करने में। उसके अलावा अगर आगे जाके भी उनके जितने भी कोई एक्विजिशंस जो वो टारगेट करते हैं वो सारे क्लाइंट लेड रहते हैं, जिसका मतलब ये कि एक्विजिशन करने के बाद में उनको ऑर्डर्स मिलने के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं। कंपनी ने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है ऑफ यू नो डाइवर्सिफाइंग द ज्योग्राफिक रिस्क एज वेल एज क्लाइंट रिस्क। तो ये हम लोग का एक टॉप पिक रहेगा विद इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस। इसके अलावा अगर आप फोर्जिंग से एरिया देखिए तो वो एक और एरिया है जहाँ पे कि काफ़ी अट्रैक्टिव बायर्स अवेलेबल हैं, दोनों भारत फोर्ज एज वेल एज रामकृष्णा फोर्जिंग्स, जो कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इस साल में उनको ये बिजनेस में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं स्टील प्राइसेस को लेकर, एज वेल एज द फैक्ट कि यूएस में क्लास ए ट्रक्स का इन्वेंट्री जो है क्लास ए ट्रक्स के जो ऑर्डर्स हैं वो नीचे हो गए हैं। लेकिन अगर आप उनका एक लॉन्ग टर्म व्यू देखिए तो इस वैल्यूएशन पे ये कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे विद इन द ऑटो एंसिलरीज। जी चलिए, मैं आपको अब 5 ऐसे स्टॉक्स दिखाता हूँ, बताता हूँ जिनमें इस वक्त एक्सट्रीम प्रीमियम्स हैं। याद रखिए, यानी स्पॉट यहाँ पर मान लीजिए स्पॉट 10 रुपये पे और प्रीमियम जो फ्यूचर है वो लगभग 15 रुपये, यानी करीब 5 रुपये का प्रीमियम है। याद रखिए, प्रीमियम अच्छे होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। प्रीमियम एक बड़ा संकेत ये भी होता है कि लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, और प्रीमियम एक बड़ा संकेत ये भी होता है कि आपका स्पॉट कमज़ोर है। पहला स्टॉक गोदरेज इंडस्ट्रीज, प्लीज़ दिखाइए एक बार यहाँ पे गोदरेज इंडस्ट्रीज। अगर आप स्पॉट और फ्यूचर को देखें तो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये का अंतर है और इसमें लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी हुआ है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र रख के चलिएगा। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, तेज़ी के सौदे। दूसरा स्टॉक देखिए आप आईओसी, माफ कीजिएगा आईओसी कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा एनसीसी। एनसीसी 76-75 पे, इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 3 रुपये का अंतर है फ्यूचर्स में, और यहाँ पर स्पॉट जो है याद रखिए वो प्रेशर में है क्योंकि स्पॉट पर सेलिंग है, फ्यूचर उतना नीचे नहीं है। तीसरा स्टॉक देखिए आप HDFC बैंक। यहाँ पर आज थोड़े लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं और इसके फ्यूचर्स और इसमें देखें तो करीब करीब 7 रुपये का अंतर है, तो यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, इस पर नजर रखिएगा, डिफरेंशियल करीब 7 रुपये का है। देन वी हैव टाटा कम्युनिकेशन 482 के स्तर पे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, हालांकि यहाँ पे हायर लेवल से अगर आप देखें हायर लेवल से काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुए थे। और आखिरी स्टॉक टाटा ग्लोबल, यहाँ पर भी आज काफ़ी शॉर्ट्स ओपन हुए हैं और हायर लेवल से स्टॉक काफ़ी टूटा भी है। खैर, मैं विषय को चेंज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मैंने स्टॉक्स दिखा दिए आपको। अब हमारे साथ दलजीत कोहली हैं बात करने के लिए। दलजीत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दलजीत, आज की तो आई थिंक सबसे बड़ी खबर यही है कि आप SBI पे रिजल्ट से पहले क्या करेंगे, हालांकि वो शायद आपका रिसर्च एरिया नहीं है, लेकिन दलजीत आप कैसे मानते हैं? मैंने SBI आप सुबह सुबह BOB देखा, SBI से क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? मुझे लगता है कि SBI के नंबर्स इतने ख़राब नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग अप पहले हो चुकी है, और जिस तरीके से पहले पिछले क्वार्टर में उन्होंने बताया था कि उनका वॉच लिस्ट कुछ 3,500 करोड़ का ही है, तो आई थिंक वो भी काफ़ी कंफर्टिंग फैक्टर था। अब इशू यही है कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा पे पिछले 3 क्वार्टर से हम लोग विश्वास करते आ रहे थे कि बहुत कुछ हो चुका है, सब नीट एंड क्लीन है, और बाद में देखा कि हर दोनों पिछले दोनों क्वार्टरों में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। तो वैसा कुछ अगर हुआ तो फिर स्टॉक में काफ़ी बड़ा रिएक्शन आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जितना अभी तक SBI मैनेजमेंट ने किया है तो काफ़ी अपफ्रंट बताया है उन्होंने कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए। जी चलिए, अब थोड़ा सा विषय को और चेंज करते हैं। SBI पे हम बहुत बात कर चुके हैं और दलजीत ने भी इनपे अपना कमेंट दे ही दिया, लेकिन कुछ ऐसे सेटअप स्टॉक्स जिन पे बाजार ने भरोसा जताया, स्पेशली F2s यानी FIIs विदेशी संस्था का निवेशक जहां सबसे ज़्यादा कमिटेड नज़र आया, आइए उन स्टॉक्स को ज़्यादा लेते हैं। हमारे साथ सुमित हैं, सुमित बताइए।
शुक्रिया वीरेंद्र। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर कंसिस्टेंटली एफआईआई की तरफ से जो खरीदारी है वो बनी हुई है और पिछले एक साल में उन्होंने सब्सटेंशियल वे में इधर या फिर स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहला नाम एशियन पेंट का है, करीब करीब 17% से बढ़कर हिस्सेदारी 19% के आसपास आई है और ये ऐसा नहीं कि एक साल में ही हिस्सेदारी बढ़ी है बल्कि कंसिस्टेंटली हर तिमाही में एफआईआई जो है अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा नाम है जिसमें क्योंकि नया हाइज भी इसने बनाया है, एक अच्छे परफॉर्मेंस भी दी है, इसलिए शायद एफआईआई का फैंसी शेयर ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा नाम वो है ब्लू स्टार, ये शेयर भी रिसेंटली एक अच्छे मूव में रहा, एक अच्छी तेजी से दिखाई है। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, यहाँ पर भी 6.5% के आसपास की एफआईआई की हिस्सेदारी होती थी जो 10% के आसपास पहुंच चुकी है। कंसिस्टेंटली हर तिमाही में एफआईआई ने स्टेक बढ़ाया है। इसके अलावा केएसबी पंप, एक समय में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं था लेकिन अब करीब 3-3.5% के आसपास स्टेक है। एग्रीकल्चर स्टोरी को या फिर मॉनसून, बेहतर मॉनसून की जो स्टोरी है उसे बनाने की शायद कोशिश की गई यहाँ पर और इसीलिए हर तिमाही में एफआईआई तरफ से जो हिस्सेदारी है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, इसीलिए शायद 4% के आसपास हिस्सेदारी पहुंच चुकी है। इसके अलावा श्री सीमेंट, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं नंबर से ठीक पहले, शेयर भले ही 2% नीचे लेकिन अदरवाइज इसमें भी एफआईआई स्टेक बहुत सब्सटेंशियल वे में नहीं बढ़ा है लेकिन छोटा ही सही लेकिन हर तिमाही की तरफ से एफआईआई ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीब करीब 14% के आसपास की हिस्सेदारी एफआईआई के पहुंच चुकी है, ये एक और ऐसा शेयर है। इसके अलावा बीपीसीएल, ऑयल मार्केटिंग स्पेस का स्टार परफॉर्मर, करीब 18% के आसपास की एफआईआई की हिस्सेदारी होती थी जो अब 21% के आसपास पहुंच चुकी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे सिचुएशन सुधरी है ऑयल मार्केटिंग स्पेस की, इस कंपनी के अंदर भी हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है एफआईआई की तरफ से, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर भी आती हुई दिखाई पड़ी। साथ ही साथ कुछ और कंपनी की बात करें तो उसमें इंडसइंड बैंक, वैसे भी ये बैंक काफी ज्यादा एफआईआई की पसंदीदा रहा है, करीब 40% के आसपास की हिस्सेदारी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे नंबर्स और प्रोविजनिंग में कमी के आधार पर ही यहां पर एक हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े एफआईआई, साउंड नंबर्स दिए कंपनी ने। इसके अलावा आईओसी, ऑयल मार्केटिंग स्पेस की एक और कंपनी, यहां पर एक अच्छे नंबर कंपनी दे भी रही है, स्पेस में चेंजेस भी आ रहे हैं और उसी आधार पर एफआईआई तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। एक एक करके सभी शेयरों के रिटर्न पर भी नजर डालते हैं, किसका रिटर्न देखने को मिला इसी ड्यूरेशन में जब एफआईआई तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। खास तौर से अगर आप एशियन पेंट्स को देखिए, करीब करीब 26% के आसपास स्टेक, 26% के आसपास का एक रिटर्न आता दिखाई पड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ब्लू स्टार भी करीब 30% के आसपास रिटर्न इसी ड्यूरेशन में दे चुका है। श्री सीमेंट 44% का एक जोरदार रिटर्न शेयर ने दिया है। बीपीसीएल भी करीब करीब 26% चढ़ चुका है इसी ड्यूरेशन के दौरान, एक अच्छी तेजी इसमें भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हुए दिखाई पड़ी। ऑयल मार्केटिंग स्पेस से 24% का रिटर्न आईओसी ने दिया और पेज इंडस्ट्री, आज नंबर आए हैं, थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के आधार पर, लेकिन इसी स्पेस की बाकी कंपनियों में एक जोरदार रिटर्न जरूर देखने को मिला। तो ज्यादातर सभी कंपनियों में जो रिटर्न है वो मोर लेस पॉजिटिव या फिर बेहतरीन साइड पे ही आता दिखाई पड़ा जहां पे एफआईआई निवेश बढ़ा है। शुक्रिया सुमित, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग और आप देखिए इफेक्ट आपने शेयर किया, लेकिन आई थिंक मैं इन स्टॉक्स पे जाने से पहले एक आरईसी की खबर देना चाहूंगा आपके स्क्रीन इसलिए भाग पे। यहाँ पे कंपनी ने आप देखें बोर्ड ने 1-1 बोनस शेयर को मंजूरी दे दी है यहाँ पर, तो अच्छी खबर है आरईसी के संदर्भ में और आपकी स्क्रीन पर 226.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा है स्टॉक। ये बीते कर आप देखिए 1.5 महीने से अप ट्रेंड में है और ये पावर स्पेस में सबसे वाइब्रेंट स्टॉक में से अगर आप देखें शामिल रहा, कि आपके स्क्रीन पर आप देखें नतीजे भी थे। मैं आरईसी पे लौटता लेकिन आई थिंक उससे पहले मुझे जो सुमित की बात थी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। दलजीत, आपने स्टॉक्स का नाम सुना, केएसबी पंप, श्री सीमेंट, बीपीसीएल, पेज इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, अव्वल दर्जे के स्टॉक्स थे ये, लेकिन इसमें से अभी भी आप कमिटेड किस में हैं या फिर इसमें से कौन सा स्टॉक आपको अब रिस्की लग रहा है थोड़ा सा? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी इन्वेस्टर को अगर कुछ अच्छी चीज़ खरीदनी है तो उसको प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है, गुड क्वालिटी कम्स एट गुड प्राइस। तो ये सब स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज ओवर प्राइस दिखेंगे लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो आई थिंक पिछले 2 क्वार्टर से हम लोग ये मानते आ रहे थे कि ये जो क्रूड का बेनिफिट है ये पीक आउट हो जाएगा, अब इसके आगे नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा कि मार्जिन फिर भी एक्सपेंशन हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास इनहेरेंट प्राइसिंग पावर है और जो डिमांड आ रही है वो लगातार बनी हुई है। इसी तरीके से बाकी स्टॉक्स में भी बहुत सभी में कुछ इस तरीके के रीज़न आपको मिलेंगे। तो हमारा मानना है कि जिनके पास ये स्टॉक्स हैं उनको कोई रीज़न नहीं है इसमें से निकलने का। वैल्यूएशन शुड नॉट बी ए रीज़न कि भाई अब आप निकल जाइए, आपने नया खरीदना है उसके लिए आपको वैल्यूएशन की कॉल लेनी है। तो शायद नया खरीदने में इस समय मुश्किल होगा खरीदना और हमें जैसा लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा हीटेड अप है, तो जब यहाँ पे करेक्शन आएगा तो इन स्टॉक्स में आप वापस खरीद सकते हैं। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा करेक्शन का वेट करें। बिल्कुल दलजीत, आपको भी बधाई हो, आपने भी मार्केट एक्सेलेंस अवार्ड्स में अवार्ड जीता और क्या वक्त है अवार्ड जीतने का। इस टाइम पर आई थिंक सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों की तो क्या हमारी खुद की भी उम्मीद है कि आप यहाँ पर कुछ
ऐसी सलाह दें या फिर कुछ ऐसे स्टॉक बताएं जहां पर अल्टीमेटली पैसा बने लोगों का। थैंक यू वेरी मच। इसी हाथ पे लगे हाथ दो आदमी और बता दीजिए जरा। अच्छा दलजीत, दो स्टॉक्स इन विजुअल्स के साथ, ताजा माल दलजीत, ताजा माल। देखिए अगर इस समय रिजल्ट सीजन चल रहा है वीरेंद्र, और इस समय हम लोग नए स्टॉक्स नहीं निकाल रहे क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा व्यू है कि थोड़ा मार्केट हीटेड अप है। बट अगर हम टॉप डाउन अप्रोच में चलेंगे तो हर समय अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स मिलते हैं। फिलहाल हमारे जो पुराने स्टॉक्स चल रहे हैं, एक एग्री थीम में हमें एसटेक और ये रैलिस इंडिया, ये दोनों बहुत पसंद हैं, तो ये चल रहे हैं। ये दोनों में हमारा अभी भी बाय कॉल बना हुआ है। और अगर हम ऑटो थीम की बात करेंगे तो ऑटो एंसिलरी में ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी हमने बहुत पहले से किया हुआ है, वो उसमें भी हमारा अभी भी पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। इस बीच अगर आप देखें बाज़ार में कितने किस तरीके से बिहेव कर रहा है, 8576 सबका स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ा के। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात थी एक आंकड़ा जो उसने अब तक होल्ड किया, एंड दैट इज़ आई थिंक 8540, बड़ा क्रिटिकल लेवल था यहाँ पे। खैर मैं इस बीच कुछ और शेयर स्टॉक्स को देखता हूँ, लेट्स टेक और कुछ काउंटर्स। देखिए आज अगर आप टॉप वाई गेनर्स को देखें तो इस क्रम में ब्रिटानिया है, स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने, आइडिया और मैकडोवल्स और आईडीबीआई बैंक, ये अगर आप देखें टॉप ओआई गेनर्स है, प्राइस गेनर्स हैं और ओआई गेनर्स भी हैं। एक बार आप आईडीबीआई बैंक दिखाइए मिड कैप में एग्जैक्टली क्या करता है, आपकी स्क्रीन पर आप देखें सडन स्पाइक डे हाई पे 2.5% ऊपर। राजेश जरा इसके चार्ट देखिएगा, कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? देखिए आइडिया से, आइडिया तो डेफिनेटली आज ओआई के गेनर में है। आईडीबीआई जो करंट मार्केट प्राइस 68.60 इन फ्यूचर्स, इसका जो 200 डीएमए लेवल है दैट इज समवेयर नियर 70, तो मुझे लगता है कि ये एक जो स्पर्ट था वो 70 के आसपास में भी फिजल आउट हो सकता है। लेकिन जो हाई बीटा है वो है मैकडोवेल्स, मुझे लगता है मैकडोवेल्स में एक अच्छा करेक्शन हमने देखा और करेक्शन के बाद एक अच्छा टेक्निकल पुल बैक हम देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बीटीएसटी भी करना है तो मुझे मैकडोवेल्स सेफ लगता है। 2235 का भाव चल रहा है, रफली 50 रुपये का स्टॉप लॉस मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। अपसाइड में मुझे लगता है ये 2300 तक जाएगा, 2310 तक। इस बीच आप मारुति को देखिए 4880, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मीर, अब देखिए मारुति का जिसका डीजल पोर्टफोलियो सबसे कम है और उसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता अगर आप देखें मारुति नहीं जताई है। आज आशी भार्गव साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि यार डीजल गाड़ियों को लेकर जो आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं ना उससे हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। और उसने कहा कि सही वजह नहीं है प्रदूषण की डीजल गाड़ियां, डीजल वाहन, उन्होंने कहा धूल मिट्टी के चलते अगर आप देखें ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, उड़ती हुई धूल, सीधे सीधे डीजल के वाहनों को इसके लिए गुनहगार ठहराना। दिल्ली में मैं याद होगा आपके दिन बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने कहा दिल्ली में इसके डीजल गाड़ियां इसके लिए सिर्फ 2% तक रिस्पॉन्स पर है। आप देखिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ज़्यादा आई थिंक प्रदूषण होता है, तो एक चिंता व्यक्त की है यहाँ पर मिस्टर भार्गव ने। बिल्कुल बिल्कुल, और अब देखिए बेसिकली ये कंसर्न सभी कंपनीज के लिए हैं, बिकॉज आपको 3-4 साल पहले का दौर याद होगा, उस समय कंपनीज ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया, केपेक्स किया डीजल व्हीकल्स की क्षमता बढ़ाने के लिए। उसके बाद अब ये जिस तरह से चल रहा है इसमें अब कंपनी को रीअलाइन करना पड़ रहा है अपना पूरा एक्सपेंशन प्लान। दलजीत, मारुति पर आपकी सलाह क्या है? हमारा व्यू मारुति पे पॉजिटिव है, जिस तरीके के कंसिस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, और हमारा मानना है कि उनके लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट आगे 2-3 महीने में है, जब एक तो मॉनसून का फ़ायदा जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी तो एंट्री लेवल सेगमेंट जहाँ पे मारुति का सबसे बड़ा होल्ड है उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है उसमें, और दूसरा जो 7th Pay Commission के एरियर्स जो अब आना शुरू होंगे तो उसमें भी इन जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मारुति के लिए तो अच्छा ही है, जो उन्होंने ये चिंता जताई है वो मेरे ख्याल से वाजिब है, क्योंकि किसी अच्छे इंडस्ट्री स्टारवर्ड को सामने आना ही पड़ेगा ये बात बोलने के लिए। और ख़ास करके जैसा वीरेंद्र ने पॉइंट आउट किया कि जब वो कम इम्पेक्टेड हैं फिर भी वो इस बात को उठा रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि बात में कितना सही बोल रहे हैं। तो अगर कोई इम्पेक्टेड आदमी बोलेगा तो शायद लगेगा बायस ओपिनियन है, तो यहाँ पर एक अनबायस ओपिनियन भी आपको मिल रही है, विच इज़ वेरी ट्रू। आई थिंक थोड़ा पैरानॉइड ज़्यादा हो गए हैं गवर्नमेंट्स और जो जुडिशरी की इस पे
किस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए डील किया जाए वो भी डील करना ज़रूरी है, बट शायद ये उसका आंसर नहीं है। तो मारुति कम इम्पैक्टेड है बट स्टिल ऑब्वियसली उसको भी इम्पैक्ट तो होगा ही जी। चलिए इस बीच देख लेते हैं एक बार उन स्टॉक्स को जहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है और ठीक वॉल्यूम्स के साथ। एक तो दिलीप बिल्कॉन आज की लिस्टिंग, ये अभी भी 15% ऊपर। एस्कॉर्ट्स ये काउंटर करीब 14% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है जो कि करीब 9.5% ऊपर है, और गीतांजलि जेम्स इसमें 9.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। सोना कोया स्टेरिंग और एक काउंटर है जो कि 5.5% ऊपर। एस्कॉर्ट्स एंड बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इस पर राजेश आपकी क्या सलाह है? देखिए मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। इट इज़ समवेयर नियर इट्स 52-week हाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट हैव अ चेक। या इट इज़ एट इट 52-week हाई, और इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट था दैट इज़ समवेयर नियर 200। टारगेट रफली बनता था 270, तो ये टारगेट भी एक्सटेंड कर चुका है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मोमेंटम है, लेकिन एक बात भी सही है कि टेक्निकली ओवरबॉट है, तो मुझे लगता है कि फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एट करंट लेवल। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ पे पोजीशन है तो आप इसे होल्ड रखें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 280 ऑन ए पोजिशनल बेसिस, या सेकंड स्ट्रैटेजीज एज यू कैन मे बी बुक 50% ऑफ योर प्रॉफिट एंड जस्ट वेट फॉर ए करेक्शन। अगर करेक्ट होता है तो फिर से यू कैन कवर योर पोजिशन। बट बॉम्बे बर्मा में मुझे देखिए एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, मुझे लगता है बॉम्बे बर्मा में 450 के आसपास का एक बेस बनेगा। 450 के बेस से इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा दैट विल बी 550। ओके राजेश, एक और प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पे। ये प्रश्न ट्रेडर के लिए भी है जो कि शॉर्ट्स ढूंढ रहा है, थोड़े शॉर्ट ये रिस्की हो सकते हैं, और एक इन्वेस्टर के लिए जो पैसा बना के बैठा है। आज मैं सीमेंट्स के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, एक करके आप सारे सीमेंट स्टॉक दिखाइए, आप ACC दिखाइए, आप अंबुजा दिखाइए। याद रखिए एक 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 आंकड़े के मुताबिक आज पूरे सीमेंट स्पेस में जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 11% बढ़ा है। अगर मैं सारे स्टॉक्स को मिला दूँ, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC सबको मिला दूँ जो भी वायदा कारोबार के हिस्सा हैं, और औसत जो प्राइस है वो करीब 1% डिक्लाइन हुआ है एवरेज प्राइस। यानी शॉर्ट्स इस सेक्टर पे हावी हो रहे हैं, मंदड़िए इस सेक्टर पे हावी हो रहे हैं। आई एम जस्ट फॉर इंस्टेंस अंबुजा सीमेंट्स, राजेश जरा इसके 6 month चार्ज को देखिए आप, ये ट्रांचेस में चलता है। जैसे चला ये मार्च में 185 से सीधा अगर आप देखें 240, लेकिन जब गिरता है तो उसका 50% सरेंडर कर देता है। क्या सीमेंट आपको रिस्की लग रहा है इस वक्त राजेश? हाँ वीरेन, मैंने इनफैक्ट लास्ट टाइम भी यही कहा था कि मुझे मेटल, सीमेंट, PSU, बैंकिंग एक्सट्रीमली ओवरबॉट लगते हैं और यहाँ से करेक्ट हो गए। हम देख रहे हैं सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, बहुत सीवियर प्रॉफिट टेकिंग है, चला भी वैसा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग आएगा। तो जो अगर यहाँ पे प्योरली अंबुजा सीमेंट की बात करें तो मुझे लगता है अंबुजा में जो टेक्निकल में आपको नेगेटिव डाइवर्सेस दिखेगा और रफली 280 के आसपास का जो लेवल था, शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनता है 265 का, लेकिन मुझे लगता है ये करेक्शन जारी रहेगा, छोटा मोटा टेक्निकल पुलबैक आएगा लेकिन ये गिरेगा पक्का। 240-248 के तक का टारगेट मुझे दिखता है। सेकंड जो है इंडिया सीमेंट, सीमेंट में हम जो बात करें, इंडिया सीमेंट देखिए 120 करंट मार्केट प्राइस है। इंडिया सीमेंट में जो इसमें भी निगेटिव डाइवर्जेंस बनाए 128 लेवल पे, और जिसका प्रोजेक्टेड टारगेट बनता है 108। बिल्कुल। चलिए इस बीच अब हमारे साथ संदीप एक खबर पर जुड़े हैं। खबर यह है कि JSPL इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, इनकी जो बैंक गारंटी है वो अब जब्त होने का ख़तरा है, और $50 लाख की ब्याज का इनको इंस्टॉलमेंट पे करना था लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है, और इसके चलते जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हो सकता है इनकी गारंटी को जब्त करें। संदीप बताइए। शुक्रिया मेयर, एक बार फिर से कंपनी खराब खबरों की वजह से कहीं ना कहीं चर्चा में है, और माना जा रहा है कि अब इनकी जो बैंक गारंटी है वो जब्त हो सकती है, ऐसा खतरा इस कंपनी के ऊपर मंडरा रहा है। करीब $50 लाख के आसपास का पेमेंट था, ब्याज का पेमेंट था, जो कि इनको अगस्त में करना था, वो कंपनी नहीं कर पाई है। हालांकि 18 बैंकों का कंसोर्शियम जिससे इन्होंने इनकी एक मॉरिशस की सब्सिडियरी ने लोन दिया हुआ है $55 करोड़ का, उसका भुगतान होना था। कंपनी ने इंडिकेट किया भी था कि जिस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, शायद ये पेमेंट करने में कंपनी असक्षम रहे, और वैसा ही देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि शायद इनकी जो बैंक गारंटी है वो भी जब्त होती हुई जा सकती है। करीब 18 ऐसे बैंक्स हैं कंसोर्शियम में जिससे इनकी जो मॉरिशस की सब्सिडियरी है उन्होंने ये लोन लिया था, और जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन है इस कंपनी को, जिस तरह के सिनेरियो पैन आउट हुए हैं, उसके बाद इस कंपनी ने बैंकों से गुजारिश करी भी थी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, लेकिन उस रीस्ट्रक्चरिंग के एवज में जो बैंक्स हैं उन्होंने दरअसल और बैंक गारंटी की मांग करी थी, और उसके साथ साथ इनकी एक ओमान की सब्सिडियरी
करी है, उनके शेयरों की मांग भी करी थी। फिलहाल अगर आप देखें इस कंपनी के ऊपर करीब 46,816 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जो कर्ज है, और जिस तरह के सिनेरियो थे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इनके ऊपर एक जो लेवी लगाई गई थी 3,267 करोड़ रुपए के आसपास की, उसके बाद इस कंपनी का कहना है कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। हालांकि कंपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें सुधार देखने को मिले, और जो पेमेंट है उसको रीशेड्यूल करने की या तो फिर जो रीफाइनेंसिंग और जो कर्ज कम करने की हर मुमकिन कोशिश कंपनी की ओर से देखने को मिल रही है, ऐसा कंपनी की ओर से जवाब देखने को मिला है। लेकिन नो डाउट जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन है और जिस तरह से इंटरेस्ट पेमेंट करने में कंपनी नाकामयाब रही है, उसका इंपैक्ट कहना कहीं इनकी बैंक गारंटी पर अब देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से काफ़ी ख़राब दौर इस कंपनी ने ऑलरेडी देखा है। अगर ये बैंक गारंटी को लेकर जब्त होने की खबरें निकल के सामने आती है तो इनकी जो दिक्कतें हैं वो और कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ सकती है, और इसी का इंपैक्ट देखिए आज कहीं ना कहीं शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इस पर चलिए, खैर JSPL ने भी यही कहा है कि फिलहाल बैलेंस शीट सुधारने पर उनका काम चल रहा है, लेकिन काउंटर तो 1% नीचे और लगातार प्रेशर। इनफैक्ट ये उन स्टॉक्स में से एक है जो कि मेटल में जब रिकवरी देखने को मिली भी है तब भी मेरे को खास रुझान देखने को नहीं मिला है। एनीवेज, राजेश, आप कोई और स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे क्या मेटल स्पेस में? देखिए, मेटल स्पेस में ऐसा पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट टाटा स्टील की सिर्फ यहाँ पे बात करें तो टाटा स्टील का जो करेक्शन है, जो फ्यूचर में यहाँ पे बात करना चाहूँगा, देखिए टाटा स्टील का जो ब्रेकआउट था, जो फ्लैग फॉर्मेशन या पेनेंट फॉर्मेशन जिसका नेकलाइन लेवल था रफली 360, टाटा स्टील फ्यूचर ने जो लो किया है वो है 363 का। तो मुझे लगता है टाटा स्टील में एक काउंटर बाय हो सकता है प्योरली ऑन ए BTST बेसिस। टाटा स्टील बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ, कीप सेम स्टॉप लॉस 360, इसका टेक्निकल पुल बैक रहेगा रफली 385 प्लस का। अभी दलजीत, मैं आज के अगर आप गेनर्स को देखिए, प्राइस गेनर्स को विदिन द बास्केट ऑफ FMCG, ब्रिटानिया सबसे ऊपर, मैकडोवल्स, डाबर, मेरिको, ITC, एशियन पेंट्स, हालांकि ITC और एशियन पेंट्स बिल्कुल अगर आप देखें 1.25% ऊपर है, लेकिन आप ब्रिटानिया के स्ट्रेच को देखिए, मैकडोवल्स के स्ट्रेच को देखिए, डाबर के स्ट्रेच को देखिए, दलजीत अभी ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा वैल्यूएशन के लिहाज से डिसेंट, और नंबर्स में जहाँ वॉल्यूम्स आपको अच्छे नज़र आए हैं, जहाँ पर वॉल्यूम्स के स्थिर रहने के, इन सर्कमस्टेंसेज में स्थिर रहना वॉल्यूम्स का, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। सो जो बेस्ट चॉइस है FMCG में वो क्या है इस वक्त, ITC HUL या फिर मिड कैप FMCG? बेस्ट प्राइस तो ऑब्वियसली ITC है, बिकॉज वहाँ पर हमेशा एक जो सिगरेट का कंसर्न रहता है तो उसकी वजह से उसको उतना मल्टीपल नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर हम देखें पुराने ट्रैक रिकॉर्ड तो बाकी सब स्टॉक्स अगर 30 टाइम्स पे चलेंगे तो ITC हमेशा 25 या 26 टाइम पे चलता है, तो वो 20-25% का उसमें डिस्काउंट रहता है, तो वो अभी भी बना हुआ है। और लेकिन इस बार के अगर हम नंबर्स देखें तो ITC के एक्चुअली नंबर्स बेटर थे, और दोनों जगह FMCG में भी और सिगरेट में, दोनों जगह हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से ITC विल बी अ बेटर बेट, वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा आएगा। दूसरा स्टॉक जो अच्छा देखने को मिल सकता है विद इन दिस स्पेस वो डाबर हो सकता है, जहाँ पर अगेन बहुत सारे कंसर्न थे कि पतंजलि के आने के बाद शायद ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, क्या होगा, लेकिन उनके नंबर्स में हमने देखा कि वैसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो जहाँ पे भी इस तरीके का आउट ऑफ द वे या फिर मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ होगा वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि डाबर भी वहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। बट क्यों, ये स्टॉक हमेशा ओवर स्ट्रेच रहते हैं, ITC एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बना रहेगा। बिल्कुल, इस बीच चलिए एक बार दिलीप बिल्डकॉन को देख लेते हैं। आज की लिस्टिंग अभी भी करीब 15% ऊपर है, कम से कम जो लिस्टिंग गेन थे वो पहले दिन तो सस्टेन किए हैं, और मौका मिला होगा बिकवाली के लिए, 15% का गेन हुआ है। लेकिन और एक इशू भी आ रहा है, इनफैक्ट RBL, और इस पर दलजीत आपकी राय भी चाहेंगे, लेकिन RBL का जो IPO है उसमें देखिए और एक चीज़ ये भी है कि कंपनी खुद ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के ESOPs इशू कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, 18 डायरेक्टर और जो अधिकारी हैं उनको इसके ज़रिए अच्छा खासा जैकपॉट मिलने वाला है। खैर, RBL पर आपकी क्या राय है दलजीत? कल हमने एनालिस्ट मीट, हमारे एनालिस्ट ने अटेंड की थी, अभी हम फॉर्मल नोट लाने वाले हैं। बट अगर हम बैंक की पास परफॉर्मेंस देखें तो उसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा काम किया है उन्होंने, और मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है। पिछले 10 साल से ये बैंक IPO लाने की इच्छा रखते थे बट किसी न किसी वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो अभी शायद आ रहे हैं। और 225-250 के रेंज में जो वैल्यूएशन है वो शायद 2-2.5 टाइम्स के आसपास ट्रेलिंग प्राइस टू बुक वैल्यू रहेगा।
विच अगेन इज़ ओके डिसेंट काइंड अगर हम सी यू बी या इंडसइंड बैंक या यस बैंक देखें तो उनके हिसाब से कुछ कुछ उस हिसाब से ही रहेगा. तो आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशन है और आईपीओ में तो सब्सक्राइब करना चाहिए शायद. हाँ, उसके बाद आगे जो ये जो 50% का जो ग्रोथ इन्होंने बताया पिछला वो बहुत छोटी बेस पे था, तो वो आगे कितना सस्टेन होगा और जब बेस बढ़ जाएगी तब क्या होगा वो आगे चल के देखने को मिलेगा. बट डिसेंट कंपनी है, मुझे मेरे ख्याल से हमारा जो रेटिंग होगा वो सब्सक्राइब ही होगा. इस बीच आप कैपिटल गुड्स को देखिए, आई मीन कंप्लीट अगर आप देखें कंप्लीट यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना बाइसेक्ट हो गया पूरा का पूरा सेक्टर. लेकिन वोल्टास 3.5% ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव, सीमेंस 1.5% ऊपर, क्रॉम्पटन गिव्स 3.75% ऊपर, बीएचएल बिल्कुल साइडवेज है, एलएनटी बैकफुट पे, पोस्ट नंबर्स अगर आप देखें एलएनटी डिसाइसिवली बैकफुट पे, एंड सेम इज द केस विद कमिंस इंडिया. नताशा, वोल्टास क्लियर कट परफॉर्मर रहा, शानदार मूव अगर आप देखें, आज भी लगभग लगभग 3.5% का मूव स्टॉक में है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है इस स्टॉक में. आपके अप्रोच क्या रहेगा इस बास्केट में, आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से रहेंगे नताशा? वोल्टास डेफिनेटली हम लोग का टॉपिक रहेगा विद इन द सेक्टर. इनफैक्ट वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों ही हमारे टॉपिक्स रहेंगे विद इन द सेक्टर. दोनों कंपनीज को एक तो जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है और मिल भी रहा है, आगे जाके भी मिलेगा. उसके अलावा दोनों ही कंपनीज ने अपने जो लोअर मार्जिन बिजनेसेस थे उसको धीरे धीरे उसको उसके ऊपर में जो उनका फोकस था वो कम किया है. अपने मार्जिन बढ़ाने का सारा सारा उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हैं. इनफैक्ट द न्यू ऑर्डर्स जो वो लोग अंडरटेक कर रहे हैं वो हायर मार्जिन पे ही ले रहे हैं. जितने भी लो मार्जिन और बिजनेसेस थे जो कि ओवरहैंग थे दोनों ही कंपनीज पे, दोनों को वो धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं. वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से भी दोनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव रह रहे हैं. ये दोनों हमारे टॉपिक्स रहेंगे विद इन द सेक्टर. चलिए इस बीच अब ये भी देख लेते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के नतीजे कैसे हैं. अभी अभी आए हैं और मुनाफा जो है कंपनी का वो रहा है 63.7 करोड़ वर्सेस 62.7, लेकिन जो कंपनी की बिक्री है वो 1,970 करोड़ रही है अगेंस्ट 1,430 करोड़. और खैर कोई ख़ास इम्पैक्ट खैर देखने को नहीं मिला, करीब 0.5% नीचे गोदरेज इंडस्ट्रीज इस समय.